से आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप की मदद से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज भी नहीं है तो आप एटीएम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी आई है या फिर कितना पेंडिंग है। ये सारी की सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करने का तरीका बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी में रहने वालों के लिए है। अगर आप सभी को जानना है इसके बारे में तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप देख रहे हैं अमान टेक वर्ल्ड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करने के लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि है अल कहरबा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल कहरबा जो एप्लीकेशन से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इसकी लैंग्वेज या फिर किस तरीके से चेक कर पाएंगे। तो अगर जब आप डाउनलोड कर लेंगे और ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ अरबी में इस तरीके से होगा, लेकिन अरबिक में होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर अरबी है यहाँ पर आपको इंग्लिश शो कर रहा होगा, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इंग्लिश पे क्लिक कर देना और ये इंग्लिश हो जाएगा और वापस आ जाना है। यहाँ से वापस आने के बाद में आपको बिल चेक करना है या फिर बिल की डिटेल चेक करनी है, तो सिंपली आपको पहले बिल्स पर क्लिक करना है। बिल्स पर क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट नंबर अगर आपने एक बार यहाँ पर इनपुट कर दिया तो नीचे यहाँ पर शो करेगा। अगर इनपुट नहीं किया तो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो नंबर है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप इनपुट कर दीजिए, जो आपका अकाउंट नंबर है बिल का वो आप यहाँ पर इनपुट करिए और इंक्वायरी पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी डिटेल आ गई। बिल की डिटेल चाहिए, पेमेंट डिटेल चाहिए, अकाउंट हिस्ट्री चाहिए, SMS सर्विस चाहिए या फिर ई बिल चाहिए। अगर आपको बिल की डिटेल चाहिए कि आपकी बिल कितनी आई है या फिर जमा हुई या नहीं जमा हुई, तो सिंपली आपको बिल डिटेल पर क्लिक करना और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो भी बिल थी यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस जीरो है, यानी कि आपकी जो भी पेमेंट थी वो पेड हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पेड का स्टाम्प है आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ये आप देखते हैं पेड हो चुकी है। ठीक है, इसे आप मोबाइल के थ्रू बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपकी बिल कितनी आई है या फिर कितनी आई थी। बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप करना है सऊदी इलेक्ट्रिसिटी। सऊदी इलेक्ट्रिसिटी टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे सिंपल देखते हैं ई बिल है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप न्यू पेज पे आ जाएंगे। ये सऊदी इलेक्ट्रिसिटी का मेन पेज है। यहाँ पर आने के बाद में आप देखते हैं बिलिंग सर्विस है। बिलिंग सर्विस पर आने के बाद में व्यू ई बिल पर आपको क्लिक करना है। व्यू ई बिल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, तो आपको इस पर कुछ भी लेना देना नहीं। अगर आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर व्यू बिल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो व्यू बिल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर टाइप करना है। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद में ये जो टेक्स्ट लिखे उसे यहाँ पर आपको टाइप करना है और यहाँ पर व्यू बिल पे आपको क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ही आप व्यू बिल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट है यहाँ पर है, प्रीवियस बैलेंस इतना है, करंट पीरियड टोटल यहाँ पर आपको शो हो रहा है और ये बिल जो है आपकी पेड हो चुकी है। यहाँ पर आप देखते हैं योर पेमेंट ऑफ 1112.71 वाज रिसीव, यानी कि 1102.71 वाला रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पर ये बिल पेड हो चुकी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी बिल फिक्स हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बिल कंप्यूटर के थ्रू चेक कर पाएंगे। अगर आपके पास में कंप्यूटर या फिर मोबाइल नहीं है और फिर भी पता करना है तो आपके पास में एक और ऑप्शन से वो है ATM के थ्रू आप चेक कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो हम अगला जो आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि आप ATM के थ्रू किस तरीके से चेक कर पाएंगे और बिल को पे कर पाएंगे। चेक करने के लिए अगर आप ATM पे आते हैं तो यहाँ पर आपको कार्ड इंसर्ट करना है। कार्ड इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है इंग्लिश। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपना ATM पिन इनपुट कर देना है। इनपुट करने के बाद में यहाँ पर आपको सद्दात का ऑप्शन दिख रहा है, तो सद्दात पे क्लिक करना है।
एंड यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं SEC सऊदी इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पर आपको वो कोड टाइप करना है 002, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप करना है एंड यहाँ पर कंफर्म कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लीजिए सर्विस इज नॉट करेंटली अवेलेबल बता रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कभी कभी सर्विस नहीं वर्क करती है नेटवर्क की वजह से, हम यहाँ पर दोबारा चेक कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं एंड यहाँ पर अकाउंट नंबर आपके बिल का जो अकाउंट नंबर है। दोबारा से चेक कर लेते हैं, हो सकता है सर्वर का कुछ प्रॉब्लम, यहाँ पे सर्वर का कुछ प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं और यहीं से आप पेड कर सकते हैं। फ्रेंड, आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप सभी को लगता है इस वीडियो से आपको या फिर आपके फ्रेंड को कुछ भी बेनिफिट हो सकता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी आऊँ लाइव या फिर अपलोड करूँ कोई नई वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में।